पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी स्कूल और रास्तों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा का निर्माण करने की शिकायत पर पैमाइश करने गए बेलारी तहसील के लेखपाल फहीम को कब्जा कर रहे दबंगों ने बुरी तरह से पीट डाला। लेखपाल के पैमाइश करने आने से नाराज दबंगों ने लेखपाल को पहले तो मारपीट की, फिर उसके मोबाइल फोन को भी तोड़ दिया। लेकिन जब इससे भी मन नहीं भरा तो लेखपाल के पास मौजूद सरकारी दस्तावेज और पत्रावलियों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर फाड़ डाला। किसी तरह फहीम ने अपनी जान बचाई और वहां से निकलकर थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने 3 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घायल लेखपाल का मेडिकल कराया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। स्मार्ट साउंड। वगैरह के खिलाफ इस सरकारी स्कूल के पास जो उनका घर है, सरकारी स्कूल की जमीन थी कन्या जूनियर हाई स्कूल, उसके पास बोले शिकायत ये थी कि इन लोगों ने जो कब्जा किया है, छज्जा निकाल के कब्जा कर रहे हैं ये। तो मैं जो है, मेरे पास शिकायत आई थी, तो शिकायत के संबंध में मैं जांच करने के लिए डीगनपुर स्कूल पर पहुँचा, कन्या जूनियर हाई स्कूल। वहाँ पर उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, तो उसके बाद जो है वो बदतमीजी करने लगे। नाम है उसका नाजिम और आबिद हुसैन और एक अर्शद, 3 तो ये हैं, बाकी अज्ञात थे। उसके बाद जो है वो लोग मुझसे जो है बदतमीजी करने लगे, मारपीट भी हुई। उसके बाद जो है वो मुझको पकड़ कर घर के अंदर ले गए। घर के अंदर ले जाने के बाद जो है अपने घर के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सरकारी अभिलेख खसरा को जो है फाड़ा इन लोगों ने, और मेरा मोबाइल जो है तोड़ दिया गया है मोबाइल। सर, मीनाटे थाना क्षेत्र में एक लेखपाल को कुछ दबंगों ने पीटने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है, क्या इसमें कारण है? देखिए, इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए, शीघ्र गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, चूँकि इनके द्वारा सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचाई गई। क्या बताया गया लेखपाल की तरफ से, क्या करने के लिए? वो पैमाइश करने के लिए गए थे, इसी पर विवाद करके उन लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार की गई, इस संबंध में कार्रवाई प्रचलित है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।